नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है सड़क परिवहन, जिसमें हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवेज की। देखिए, अब तक हमने पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारे नेशनल हाईवे देखे हैं। आज जो है जितने बाकी के इम्पोर्टेंट जितने भी नेशनल हाईवे हैं सबकी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बिना वक्त गवाए बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 79। तो सबसे पहले मानचित्र में देख लीजिए 79, ये आपको नंबर दिख रहा होगा। इसका नया नंबर है 48, 79 जो पुराना नंबर है उसका नया नंबर कितना है 48। जिले की बात करें तो ये देखिए, जैसलमेर से बीकानेर से शुरू हो रहा है बीकानेर, फिर ये कौन सा ज़िला है भीलवाड़ा। अब तक तो आपको राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं उनकी स्थिति एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, तो अभी यहाँ ज़िले लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मानचित्र को देख के समझ पा रहे होंगे कि कहाँ कौन सा ज़िला स्थित है। तो देखिए, ये अजमेर से शुरू हो रहा है 79, पुराना नंबर, नया नंबर 48। तो अजमेर, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद ये कौन सा ज़िला रहा, चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद ये एमपी के नीमच तक जाता है। तो ध्यान रखना, पुराने नंबर से बात करें तो 79 और नए नंबर से बात करें तो इसका नया नंबर है 48, जो अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़ होता हुआ चला जाता है मध्य प्रदेश के नीमच तक। ठीक है, अगले हाईवे की हम बात करें तो अगला हाईवे 89, कौन सा 89, ये है 89 पुराने नंबर से, पुराना नंबर 89 ये है। कौन से ज़िले, देखिए 79 पुराने नंबर से अजमेर से नीचे की तरफ था और अजमेर से ऊपर की तरफ बीकानेर जा रहा था 89, 79 नीचे, 89 अजमेर से ऊपर। तो अजमेर, उसके बाद नागौर, उसके बाद बीकानेर, तीन ज़िलों में 89 फैला हुआ था। अब इसके नए नंबर की बात करें तो इस 89 को दो नए नंबर दिए गए हैं, अजमेर से नागौर तक 62। 89 को अजमेर से नागौर तक क्या नया नंबर दिया गया है 62, और नागौर से बीकानेर तक नया नंबर क्या दिया गया है 58। ठीक है, पुराने नंबर से 89 है अजमेर नागौर बीकानेर, अजमेर नागौर तक 62, नागौर से बीकानेर से नया नंबर दिया गया है 58। यहाँ तक क्लियर है सभी को? फिर हम अगले नंबर की बात करेंगे, कौन से नंबर की, 79 ए। देखिए 79 देखिए जो 79 ए है ना, इसको मैंने मानचित्र में बनाया नहीं। 79 ए का बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो 79 है ना, ये अजमेर से शुरू होता है और अजमेर में ही ख़त्म हो जाता है। 79 ए अजमेर से शुरू और अजमेर में, ये जो 79 चल रहा है ना पुराने नंबर से, ठीक है, इसी के सहारे यानी अजमेर में ही 79 ए है, जो अजमेर के किशनगढ़ से शुरू होकर नसीराबाद में चला जाता है। ठीक है, ये इसी ज़िले में अजमेर में ही, पूछ लिया जाए कौन सा नेशनल हाईवे है जो अजमेर से शुरू होता है और अजमेर में ही ख़त्म हो जाता है, तो वो नेशनल हाईवे नंबर है 79 ए। देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने एक ऐसे नेशनल हाईवे की बात की थी, वो था कौन से ज़िले में, उदयपुर में था 76 ए, जिसका नया नंबर कौन सा था 58, जो उदयपुर से शुरू हो रहा था उदयपुर में ही ख़त्म, यानी कि नए नंबर के हिसाब से 58 ऐसा है जो उदयपुर से शुरू होकर उदयपुर में ख़त्म होता है। और 79 ए, याद रखना कि 79 कौन से ज़िले में है पुराने नंबर के हिसाब से, अजमेर में, अजमेर और फिर ये आपका भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़। तो 79 ए बी सी की ब्रांच है तो अजमेर में हो गई, ये किशनगढ़ से नसीराबाद तक जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अगले नंबर की, 90 की। ठीक है, 90,
जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, बारा से झालावाड़। पुराना नंबर जो है 90 नेशनल हाईवे बारा से चल के झालावाड़ तक जाता है, जिसका नया नंबर क्या है 752। नया नंबर क्या है 752, ठीक है, याद हो जाएगा। बारा से झालावाड़, पुराना नंबर 90, नया नंबर 752। अब हम अगले नंबर की बात करते हैं, 94A। कौन से नंबर की बात कर रहे हैं हम, 94, ठीक है, जिसका नया नंबर है 927A, ठीक है, 927A। देखिए ये आपका शुरू हो रहा है, ये कौन सा जिला है आप खुद देखिए, सिरोही, फिर ये कौन सा जिला है उदयपुर, फिर ये कौन सा जिला है डूंगरपुर, और ये बांसवाड़ा। तो जो पुराना नंबर था 94, वो कौन से जिले, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसे नया नंबर क्या दे दिया गया है, इसे नया नंबर दे दिया गया है 927A, ठीक है। तो ये सिरोही ही में जो स्थान शुरू हो रहा है वो है सिरोही के स्वरूपगंज से, ध्यान रखना कि 927A है सिरोही के स्वरूपगंज से शुरू होके इन चार जिलों से गुजरता है, सिरोही, उदयपुर, फिर डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर चला जाता है मध्य प्रदेश के रतलाम तक, ठीक है, मध्य प्रदेश के रतलाम तक चला जाता है, ठीक है। ये नेशनल हाईवे हो गया। अब हम अगले नेशनल हाईवे की बात करते हैं, तो अगला नेशनल हाईवे है हमारा 112। देखिए ये अपना हो गया 112, ये कौन सा है 112, इसके अपन जिले देख लेते हैं। ये देखिए कौन सा जिला है, ये बाड़मेर, बाड़मेर के बाद ये कौन सा जिला है जोधपुर, जोधपुर के बाद ये कौन सा जिला है पाली। तो बाड़मेर, जोधपुर, पाली, इन तीन जिलों के अंतर्गत ये कौन सा नेशनल हाईवे है 112, जिसे नया नंबर दिया गया है 25। नया नंबर 25, 112 का नया नंबर 25, जो बाड़मेर, जोधपुर और पाली, इन तीन जिलों में है। ये बाड़मेर के मुनाबाव से शुरू होता है, बाड़मेर के मुनाबाव से शुरू होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम नए नंबर की बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे नंबर 114। तो देखिए अब हम बात करते हैं 114, ये रहा, जिसका नया नंबर क्या है 125, 114 का नया नंबर 125। जिले आप देख रहे होंगे जैसलमेर और जोधपुर, इन दो जिलों के मध्य में फैला हुआ है पोकरण। ये जैसलमेर का कौन सा स्थान है, पोकरण, जो जैसलमेर के पोकरण से जा रहा है ये जोधपुर 114, जिसका नया नंबर है 125, कितना, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे से नेशनल हाईवे है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर मैं वही कहना चाहूँगी, एग्ज़ाम में पूछे या नहीं पूछे, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, और एक जनरल नॉलेज के लिए भी ये हमें पता होना ही चाहिए। क्या पता कि आने वाले किसी एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ भी ले, तो हमें थोड़ा सा अगर मानचित्र में देखे हुए हो तो हम आराम से इसको पुटअप कर लेंगे। अब हम अगले नंबर की बात करते हैं, पुराना नंबर है 116, वो कहाँ से कहाँ तक था, टोंक से सवाई माधोपुर, दो जिलों के मध्य टोंक से सवाई माधोपुर के मध्य में कौन सा नंबर था 116, अभी उसको नया नंबर क्या दिया गया है 552। टोंक से सवाई माधोपुर के अंदर पहले 116 था, अब हो गया 552, ठीक है, क्लियर। अब हम एक नंबर की और बात करते हैं, जो है 162A। ये देखिए ये उदयपुर और ये राजसमंद, उदयपुर से राजसमंद के मध्य कौन सा है 162, ठीक है, ए 162A, उदयपुर से राजसमंद के मध्य कौन सा है 162A, ठीक है। उसके बाद एक और देख लेते हैं हम, देखिए ये नागौर, फिर अजमेर, फिर आपका पाली, फिर आपका भीलवाड़ा, यहाँ 86A है, नागौर, अजमेर, फिर ये पाली और ये
भीलवाड़ा। ये जो ज़िले हैं ना, यहाँ कौन सा है नेशनल हाईवे पुराने नंबर की बात करें तो 186, उसे अभी नंबर दे दिया गया है 158। ठीक है, नए नंबर से याद रख लो 158 कहाँ है, नागौर, उसके बाद नागौर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद पाली, पाली के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के मांडल तक, ये नागौर के मेड़ता से, यहाँ कौन सा है मेड़ता, मेड़ता के बाद भीलवाड़ा के मांडल तक जाता है 158। ये जो है छूट गया था अपना, ठीक है, ये हो गया आपका 158, जो चार जिलों में फैला हुआ है, नागौर, अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के मांडल तक। ये है आपका नेशनल हाईवे नंबर 158। ठीक है, तो ये हो गए अपने नेशनल हाईवे। देखिए हमने कितने ही सारे नेशनल हाईवे की चर्चा कर ली है, जो शुरुआत में जो हमने कुछ नेशनल हाईवे देखे थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कुछ छोटे नेशनल हाईवे हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो हमने मानचित्र में देख लिया है, आप इनके नोट्स बना लीजिए, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए और बस थोड़ा सा सरसरी दृष्टि से इनको देख लोगे, एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो क्वेश्चन आप कर दोगे, और नहीं आया एक क्वेश्चन यहाँ से तो कोई बात नहीं, हमें पता होना ही चाहिए। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।